नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको डी क्लास बोर्ड का एम्पलीफायर बनाना सिखाएंगे और इसकी वायरिंग के बारे में पूरा प्रैक्टिकली वीडियो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए होने वाला है। हर कोई अनजान से अनजान व्यक्ति भी क्लास डी का एम्पलीफायर घर पर बना सकता है बहुत ही ईजी तरीके से। क्या कुछ वायरिंग करनी है और कैसे इसके कनेक्शन वगैरह सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ये एम्पलीफायर मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया है, लेकिन उस समय वीडियो नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो में इस एम्पलीफायर के सभी कनेक्शन और इसमें जो ये बोर्ड लगा है, ये क्लास डी बोर्ड है, ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल बोर्ड होता है। तो ये इसमें लगाया है और इसके पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ कहाँ से हमें स्टार्टिंग करना है। तो ये देख सकते हैं, दो स्पीकर के लिए ये यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है और ये इसके 12 वोल्ट डीसी के पॉकेट, ठीक है, ये यूएसबी केबल। और यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें सप्लाई देनी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, रेड पॉजिटिव और ये नेगेटिव 12 वोल्ट। तो ये सप्लाई सीधी पॉजिटिव वाला वायर सीधा यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरफ डायोड के एनोड पर दोनों डायोड पैरेलल में जुड़े हैं, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से इस कैथोड की तरफ निकल करके ये आ गया। तो यहाँ से सीधा इसे सप्लाई दी गई है, कहाँ पर, इस क्लास डी बोर्ड के पॉजिटिव पर। देखिए ये इस तरफ पॉजिटिव है, +12 और -12, उस तरफ ग्राउंड लिखा है। तो इधर इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये दो सॉकेट आप देख रहे हैं, ये दोनों स्पीकर के लिए लेफ्ट राइट इसमें आ रहे हैं इस कनेक्टर में। ये भी इजी है लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, तीन वायर ये हैं जो कि वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं, तीन वायर ऑडियो सिग्नल के लिए है। तो ये ग्रीन वायर है, ये ग्राउंड का है और दो यहाँ पर ऑडियो सिग्नल के लेफ्ट और राइट की। तो यही वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल पे, ये ग्रीन वायर यहाँ पे ग्राउंड पे लगाया हुआ है, ये दोनों वायर सिग्नल के लिए जो कि वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले पे लेफ्ट और राइट के लिए। इस तरह से ये कनेक्शन आप देख सकते हैं। और इस वॉल्यूम के ये साइड वाले दो कनेक्शन है, ये यहाँ से दो वायर निकलेंगे जो कि हमारे इस बैक ट्रेवल बोर्ड के लिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जा रहे हैं वाइट वाले वायर, यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और इसी से दो वायर को कनेक्ट करके इस पर बैलेंस के लिए लेफ्ट राइट की स्पीकर चलाने के लिए इस तरह से ये कनेक्शन इसके हो गए। यहाँ पर दो वायर आप देखेंगे तो ये है 5 वोल्ट के लिए, यह है 5 वोल्ट के लिए जो कि हमारे यहाँ पे ये यूएसबी कार्ड लगा है। इस यूएसबी कार्ड के लिए यहाँ से दो वायर निकल रहे हैं, आप देखिए ये दोनों वायर यहाँ पे आ रहे हैं सीधे। तो ये इसके हैं 5 वोल्ट रेगुलेटर इसमें लगा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बायस ट्रेबल बोर्ड है, इसके यहाँ पर बायस ट्रेबल के लिए एक बैस है और एक ट्रेबल है, और 12 वोल्ट सप्लाई इसको यहाँ से दी गई है। ये दोनों वायर आ रहे हैं, ये दोनों वायर ब्लैक और रेड वाले वायर, ये भी यहीं से दिए हैं हमने इस क्लास डी कार्ड से यहाँ पे, ठीक है। इस बैक ट्रेबल बोर्ड को दोस्तों 12 वोल्ट सप्लाई से भी चला सकते हैं और 24 वोल्ट से भी ये काम करता है। यही इसका कनेक्शन है, इसमें ज़्यादा कोई कनेक्शन वाली बात नहीं है। हर कोई आदमी अनजान से अनजान व्यक्ति भी इसकी वायरिंग करके अपने घर के लिए या किसी गाड़ी के लिए, अपने वाहन के लिए एम्पलीफायर बना सकता है, बहुत ही इजी है। ये दो स्पीकर चलाने के लिए है, इसके अलावा अगर हमें चार स्पीकर के लिए ज़रूरत होगी तो इस तरह का बोर्ड, एक बोर्ड हम यहाँ पे और लगा सकते हैं, ये वाला, ये भी क्लास डी बोर्ड है। तो दो बोर्ड लगा करके दो दो स्पीकर इससे चलेंगे और दो स्पीकर इससे हम चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर चार स्पीकर वाला हम एम्पलीफायर बना सकते हैं। फिलहाल ये दो स्पीकर वाला ही है और इसमें 10 इंची
या 12 इंची के कम वाटेज के स्पीकर हम बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल इसकी आवाज़ है, बहुत ही साउंड क्वालिटी अच्छी है इसकी। और ये यूएसबी का है, ये यहाँ पे लगा हुआ है यूएसबी केबल, और इसमें कोई ज़्यादा कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, कोई भी इसे घर पे बना सकता है, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो डायोड आप देख रहे हैं, ये डायोड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये डायोड हम नहीं लगाएंगे और इसके वायर कहीं पे शॉर्टिंग होगी तो ये तुरंत कार्ड ख़राब हो जाएगा, तो ये डायोड हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर डायोड नहीं है तो इससे छोटे भी हम लगा सकते हैं, 1108 भी लगा सकते हैं, लेकिन डायोड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही ईजी है इसकी वायरिंग करना। और ये इसका रिमोट है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना।